राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा आज मैं आपको देवी कवच का पाठ सुना रही हूँ। जो भी इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ता है उसकी आयु यश बल में तो वृद्धि होती ही होती है, उसे कभी किसी प्रकार का कोई संकट भी नहीं आता, सभी बाधाएं देवी की कृपा से स्वयं ही दूर हो जाती हैं। तो हमें प्रतिदिन इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए। इस कवच से रक्षित व्यक्ति जहां जहां भी जाता है वो अपने आप को सुरक्षित पाता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुँच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उसकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भौं की यशस्वनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहर भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुहरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त हृदय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलवों की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उदरवकेशनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा, वसा मास, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें।
हे ब्रह्माणी आप मेरे वीरे की रक्षा करें, छाया की छत्रेश्वरी, मन और बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें, प्राणों को कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच इंद्रियों की योगनी सत्व रज दम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें, आयु की वाराही धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करें, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा मार्ग की शेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हो जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे, मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए, कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है, पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोक भर में पूजा जाता है, यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है, जो इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर पढ़ता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है, यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है, चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले, जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है, सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता। जय माता दी।